अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो आने वाली है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। दास की अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। सो इतना वेट किया है बहुत ही वेट किया है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की जाने और अनबॉक्सिंग करते हैं। कम ऑन, लेट्स चल इन अ वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्सल ओपन कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने मंगवाया है जेल फार्म सन स्पेक्ट्रा सनस्क्रीन। सही है, ये 40 ग्राम की पैकेजिंग है और ये मुझे अराउंड पड़ा था 1498 रुपीज समथिंग का। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको वीडियो में बता रही हूँ, इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। और मुझे डिलीवरी फ्री पड़ी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये सील पैक है और इसका मैं रिव्यू पहले भी दे चुकी हूँ मेरे चैनल पर, बट मुझे बहुत पसंद है, दैट्स व्हाई मैंने दोबारा मंगवाई है। और यहाँ पे मैंने मंगवाया है काला कोला का हेयर टॉनिक। सो गाइस, ये मुझे पड़ा था अराउंड 410 रुपीज़ का। सो गाइस, मेरे दास की क्या क्या की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है, क्योंकि एक एक कर पार्सल आ देते, जैसे आप सभी को पता है दास की डिलीवरी थोड़ी लेट हो जाती है। फिलहाल मैं यहाँ पे MHP का हेयर ग्रोथिंग थेरेपी एनर्जाइजिंग स्कैल्प सीरम स्प्रे फॉर्म में है, यहाँ पे मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ। अच्छा, ये हेयर ग्रोथिंग स्प्रे है, इस पर मैं लास्ट में रिव्यू दूँगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे पार्सल ओपन कर रही हूँ। पर्सनली ये पार्सल मुझे बहुत पसंद आया है, ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद आया है। दरअसल पाकिस्तान में ऑर्गेनिक ब्रांड्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और ख़ास तौर पर जो रीज़नेबल रेंज में आ रहे हों वो हैं भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। सो पर्सनली ये पार्सल मुझे बहुत पसंद आया। बायो शॉप का ये पेज है तलाश पर, और यहाँ पर इसमें मैंने बाय किए हैं बंडल ऑफ 4 मड मास्क। कॉलिन क्ले है इसमें, पिंक क्ले है, मुल्तानी मड है, चारकोल क्ले है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पेज पर। सो मैंने बंडल ऑफ 4 बाय किए थे 549 रुपीज़ के। दैन इसके अलावा मैंने यहाँ इनके पेज से बाय किया था एक्नी स्किन केयर पाउडर मास्क, ये मुझे 299 रुपीज़ का पड़ा था। दैन इसके अलावा यहाँ पे मैंने बाय किया था कॉफ़ी स्क्रब, मैंने बाय किया था ये मुझे 199 का पड़ा था। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने बाय की हैं। अब पर्सनली मेरे इसके बारे में क्या रिव्यूज़ हैं ये मैं ट्राई करके बताऊंगी आपको लास्ट में। सो आपको इसके रिव्यूज़ चाहिए तो लास्ट में मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सही, लास्ट में लाइक कर देगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। देन यहाँ पे मैंने मेकअप का चीक्स एंड लिप टिंट यूज़ कर लिए, यहाँ पे मैं लिप एंड चीक टिंट का स्वेच दिखा रही हूँ आपको। ये मेरे को 400 की अमाउंट में मिला था और बहुत अच्छे से ये आपके चीक्स पे ब्लेंड हो जाए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है आपके फेस पे, बहुत पिंकिश ग्लो सा आपका फेस हो जाता है। देन यहाँ पे मैंने एले कलर मिनी पैलेट बाय किया था, और मुझे ऐसे ब्लूइश टाइप के शेड बहुत पसंद हैं। इसमें ब्लू भी था, ग्रे भी था, वाइट के भी शेड्स थे, और ब्लू के बहुत ज़्यादा शेड्स थे, ग्रे के भी शेड्स थे, दैट्स वाई मुझे ये बहुत पसंद आया था। और हल्का सा स्वेच में ही ये आपका पिगमेंट दे रहा था, और मिनी पैलेट था, गुड टू गो वाला लुक आप फटाफट क्रिएट कर सकते हैं। सही है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दो शेड्स और बता रही हूँ, ये मुझे पड़े थे अराउंड 400 की रेंज में और बहुत मुझे अफोर्डेबल लगे थे। सही है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ वाइट ट्रैक्स का सीरम, ये 20 ml की बोतल में आता है और ये मुझे पड़ा था अराउंड 1424 रुपीज़ का। देन इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ मिस सोस के फाउंडेशन दिखा रही हूँ, ये पूरा पैकेट ही मिस सोस का है, और यहाँ पे मैंने मंगवाया था मिस सोस का सिल्क फाउंडेशन मंगवाया था। अच्छा, इनके पास बहुत बड़ी रेंज थी मिस सोस के फाउंडेशन की, ये पेज ही मिस सोस का है।
सही है ये मिसोस का सिल्क फाउंडेशन। अच्छा मेरे पास ये ऑलरेडी था भी, बट मैंने इसका शेड बेज वन शेड मंगवाया, मेरे पास दूसरा शेड था। सही है। अच्छा थोड़ा सा ये मैं स्किन पे सूट कर रहा था, मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आ रहा था इसका शेड। आप लोगों को भी जैसा दिख रहा होगा थोड़ा सा येलोइश टोन इनके ज़्यादा होते हैं। अच्छा और भी फाउंडेशन हैं इनके बेसिकली, मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी। और अराउंड इतनी ही रेंज में फाउंडेशन है, लाइक ये मुझे 599 का पड़ा था। देन इसके बाद ये वाला जो है ये मुझे पड़ा था अराउंड 500। देन इसके बाद जो ये फाउंडेशन है ये भी मिसोस का ही फाउंडेशन है और ये मुझे अराउंड 600 पड़ा था। आई डोंट नो व्हाई बट हाँ ये 600 का ही पड़ा था। और देन यहाँ पे मेरे पास है मिसोस का टेंट, और टेंट जो है मुझे पड़ा था अराउंड 300। और इसका जो लाइक टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा रनी है और लाइक चेरी रेड साइज का शेड था, बहुत मज़े का शेड था, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। जो थोड़े से डार्क टोन के लोग होते हैं उन पे भी ये शेड अच्छा लगता है। देन इसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्यूने की स्ट्रेटनिंग क्रीम। अच्छा आपको जैसे कि पता है मैं तो कर चुकी हूँ, मगर मेरी फ्रेंड को बाय करनी थी, दैट्स वाई उसने मुझसे बोला कि लाइक तुम्हें जो लाइक समझ में आता है वो वाली मंगवा लेना। सो ये मुझे 2799 रुपीज़ की पड़ी थी। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने अराइवल स्ट्रेस पेनिंग जेल ऑर्डर किया है और ये मुझे अराउंड 899 रुपीज़ का पड़ा है। अच्छा ये बेसिकली जो है ये केमिकल पील है। सो ये केमिकल पील हमारे स्किन को डेड स्किन को उतारती है विदाउट डैमेज करे, जैसे नॉर्मल फिजिकल स्क्रब जो होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। इसके अलावा मैंने दी बॉडी शॉप का यूज़ किया है और फेंसी का यूज़ किया है। सो ये इन दोनों के भी बहुत बेस्ट रिजल्ट हैं, लेकिन दी बॉडी शॉप का हमें पता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दैट्स वाई मैंने ये ऑर्डर किया है। इसका मैं आपको लाजमी रिव्यू दूँगी कि ये लाइक बॉडी शॉप की जगह हम इसे यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने लिपस्टिक्स बाई की थी और लिपस्टिक्स में मैं आपको स्वेचेस दिखा दूँ। ये वाला थोड़ा सा न्यू स्वेच है और पर्सनली मुझे ये थोड़ी सी ग्लॉसी टाइप की लिपस्टिक थी। सो फर्स्ट शेड जो इसका है 114 शेड है। देन यहाँ पे सेकंड जो है थोड़ा सा पीचेस टाइप का शेड है, इसका 113 शेड नंबर है। देन इसके बाद जो ये शेड है 101 शेड है, थोड़ा सा पिंकिश शेड है। देन इसके बाद लाइक 112 शेड है, ये थोड़ा सा रेडिश टाइप का शेड है। इसके बाद से ये यहाँ पे ऑर्डर किया था ट्रांसलूसेंट पाउडर्स, मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए थे, कोई चाइनीज टाइप का ब्रांड था, उसके ट्रांसलूसेंट पाउडर्स मैंने ऑर्डर किए थे। ये मुझे अराउंड पड़े थे 399 रुपीज़ के। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने एटीट्यूड का पाउडर ऑर्डर किया था और ये मुझे अराउंड पड़ा था 499 रुपीज़ का, लाइक मुझे डिलीवरी फ्री पड़ी थी। गाइस हमें तलाश पर 11/11 की सेल के अलावा भी डिलीवरी फ्री पड़ सकती है, शायद मे भी कुछ लोगों को ना पता हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपीज़ डिलीवरी के लगेंगे, लेकिन मुझे डिलीवरी फ्री पड़ी थी। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने मंगवाया है एमली का ब्लश ऑन। अच्छा और अदर हैंड मैंने यहाँ पे उनसा था हुदा था, क्या था आई डोंट नो व्हाई, ऑरेंजेस पीचेस टाइप का ये ब्लश ऑन था। और यहाँ पे एमली का जो ब्लश ऑन था ये थोड़ा सा पिंकिश टाइप का था और बहुत खूबसूरत शेड था। पर्सनली ये मेरे पास है भी, मगर मैंने इसका थोड़ा सा डिफरेंट शेड मंगवाया है, मेरे पास थोड़ा सा डिफरेंट शेड था। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने सिलिकॉन ब्रश मंगवाए हैं मैंने गाइस, ये मुझे अराउंड 79 रुपीज़ के पड़े थे। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने लिप मास्क मंगवाए हैं जो कि मुझे अराउंड ये मुझे 89 रुपीज़ का पड़ा है। देन यहाँ पे जो मैंने मंगवाया था पाइपिंग बैग्स मंगवाए थे, अच्छा ये 25 पाइपिंग बैग्स थे और मुझे ये अराउंड 99 रुपीज़ के पड़े थे। सही है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने बॉडी बेल्ट मंगवाई थी, अच्छा इनके कवर फोटोज़ पे तो लाइक ब्लू कलर की थी और डायरेक्ट लगने वाली बेल्ट थी, बट मेरे पास जो बेल्ट रिसीव हुई है इसमें स्ट्रैप्स हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं।
स्ट्रैप्स की क्वालिटी पर्सनली बहुत अच्छी है और बेल्ट की क्वालिटी भी बहुत नाइस थी, नॉट बैड बट सेम नहीं थी। सो ये देन इसके बाद यहाँ पे मैंने मंगवाया क्रेविंग टूल और ये मुझे अराउंड पड़ा है 699 की। अच्छा जो पिक्चर शो हो रही थी दराज पे वो 10 पीस की थी और यहाँ पे मुझे 6 पीस का वुड क्रेविंग टूल भेजा था लेकिन गुड क्वालिटी का था। अच्छा देन इसके बाद मैंने यहाँ पे बाय किए थे आर्टिस्टिक पैलेट की नाइफ। अच्छा 5 पीस की ये नाइफ थी और ये मुझे अराउंड पड़ी थी 389 रुपीज़ की। सो इसके बाद यहाँ पे मैंने बाय किए थे ग्लैमरस फेस की स्टिक बाय की है। अच्छा 303 शेड है इसका और ये मुझे अराउंड पड़ा था 600 समथिंग मुझे पड़ी थी ये स्टिक। और जो स्टिक है इसका शेड बहुत येलोइश टाइप का शेड है क्योंकि 303 शेड जो है वो थोड़ा सा येलो टोन में अंडरटोन में होता है। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने बाय किया था सोल्डरिंग आयरन। अच्छा ये किस काम के लिए है बताऊंगी कभी मैं आप लोगों को बाद में, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी और कुछ पार्सल्स रह गए थे और कुछ पार्सल्स आने भी रह गए थे। तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो दराज पे बनाऊंगी क्योंकि मेरे आधे पार्सल रिसीव नहीं हुए लेकिन सेल ही ख़त्म हो जाती, दैट्स वाई मैंने वीडियो बना दी। सही है तो सो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपको लगी होगी, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। लास्ट में आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें प्लीज़। ये मेरा न्यू चैनल है, काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है बिकॉज मेरा न्यू चैनल है, आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। लाजमी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें प्लीज़ 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 सपोर्ट करें। किसी को इंटरेस्ट है दराज पे फ्री डिलीवरी कैसे होती है तो लाजमी मुझे कमेंट पे लाजमी बताइएगा, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और 11/11 सेल के अलावा भी आप फ्री डिलीवरी करवा सकते हैं, लाजमी ज़रूरी नहीं है कि 11/11 सेल चल रही है तभी आप फ्री डिलीवरी करवा सकते हैं, उसके अलावा भी आप फ्री डिलीवरी करवा सकते हैं। सो लाजमी आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। सही है सो टिल एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। लाजमी आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। सो गाइस एक पॉइंट बताना रह गया था, जैसे कि हम जानते हैं कि दराज पे हर चीज़ एग्जैक्ट जो हम मंगवाते हैं वो नहीं आती। बेसिकली मैंने जो दराज से ऑर्डर किया है मैंने हर सेलर को बोला है कि मुझे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ आप मुझे ओरिजिनल ही भेजिएगा जो मैंने ऑर्डर किया है। बट मैं आप लोगों को एक बात इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि आप हर सेलर के कमेंट्स रिव्यूज़ अच्छे से देखकर कोई भी चीज़ ऑर्डर करें, अदरवाइज़ ऑर्डर ना करें क्योंकि मे भी एज पॉसिबल हो सकता है कि वो आपको वो चीज़ ना भेजें जो आपने ऑर्डर की हो। सो बस यही इन्फॉर्म करना रहता था। सो एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।